हेलो, मैं हूँ अर्चना सागर और आज हम पढ़ेंगे हाउसिंग एंड क्लोथिंग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ हाउसेस के बारे में, मटेरियल यूज टू मेक हाउसेस, फाइबर्स फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड, डिफरेंट रूम्स इन द हाउस, क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। काइंड ऑफ हाउस टेम्प्ररी हाउस है और बेंगलो हाउस है। बैम्बू, स्ट्रॉ, ब्रिक्स, आयरन रॉड्स आर मटेरियल्स टू यूज मेक हाउसेस। सिल्क, वूल और कॉटन। किचन, बेडरूम, लिविंग रूम आर पार्ट्स ऑफ आवर हाउसेस। शर्ट, फ्रॉक, स्वेटर आर आवर क्लोथ्स। तो चलिए पढ़ते हैं। A house is a place where we feel safe. मतलब हाउस एक जगह है जहाँ पर हम अपने आप को एकदम ही सेफ महसूस करते हैं। A house protects us from heat, wind, cold, rain and wild animals. We make houses for suitable needs. Houses हमको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बनाना चाहिए। ज़्यादातर लोग एक जगह पे ज़्यादा समय तक रहते हैं और कुछ हाउसेस में कुछ लोग ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। वो एक घर से दूसरे घर शिफ्ट होते जाते हैं। और है टेम्प्ररी हाउस जो है ना, वो हमको एकदम कॉमन है। मतलब वहाँ पर हम रह सकते हैं। जो कपड़ा का घर होता है ना, टेंट, उसको टेंट्री हाउस कहते हैं हम। कारावान एक गाड़ी है जिसमें हम पूरा हाउस जैसा महसूस करते हैं। हाउसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मॉट, बैम्बू और ड्राई लीव्स, आयरन रॉड्स, ब्रेक्स, स्टाइल्स, स्टोन्स और ये सब है। रूफ्स ऑफ हाउसेस कैन बी फ्लैट और स्लोपिंग। आसाम में जो हाउसेस होते हैं ना, वो फ्लैट रूफ्स के होते हैं ताकि जो बारिश हो ना, हैवी रेनफॉल, वो सीधे नीचे की ओर चले जाए और बर्फ भी गिरेगा ना तो नीचे की ओर चले जाए, उसमें जमे ना। हैवी रेनफॉल हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ, जहाँ पर हैवी रेनफॉल्स होते हैं वहाँ पर स्लोपिंग रूफ्स के हाउस होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पर्पोजेस लाइक किचन फॉर कुकिंग, बेडरूम फॉर स्लीपिंग। हमारा हाउस के पास किचन है, बेडरूम है, लिविंग रूम है, अलग अलग चीज़ें करने के लिए। किचन फॉर कुकिंग मतलब खाना पकाने के लिए, बेडरूम फॉर स्लीपिंग अलग सोने के लिए। परमानेंट हाउस एंड टेम्पररी हाउस यहाँ पर। और क्लोथ्स प्रोटेक्टर्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइट। क्लोथ प्रोटेक्टर्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइट। Clothes are made of fabric that is made from fibers like cotton, wool etc. हमारे जो क्लोथ्स होते हैं ना, वो अलग अलग डिफरेंट मतलब अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं, लाइक कॉटन और वूल। वी नीड वार्म क्लोथ्स इन विंटर। हमको गर्म कपड़े चाहिए लाइक स्वेटर, हमको विंटर के सीजन में गर्म रखने के लिए। और हमको वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। कॉटन इज लाइट एंड सेव्स अस फ्रॉम द हीट। कॉटन जो है एकदम हल्का कपड़ा होता है, वो पहनने में एकदम आरामदायक होता है और वो हमको हीट से प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू। क्या हो गया?